नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप इस मशीन के अंदर मोटरसाइकिल देख रहे हैं लोड किया हुआ। ये गुजरात पूना एग्री एक्सपो में हमने देखा है, हमें लगा कि कुछ नया है, हमने समझा और अब उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊं। सर हमारे साथ हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्यों बनाया है और इसका कहाँ प्रयोग होगा। सर मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों का आप सबसे पहले अपना परिचय करवाएं। मेरा नाम नरेंद्र देशमुख हूँ, बाइक्टर एग्रो हमारा कंपनी का नाम है और हमारा प्रोडक्ट है बाइक्टर। ये गाड़ी के अंदर में बाइक्टर जो लगाई हुई है वो इसके लिए लगाई हुई है कि पहले किसान जो बैल के साथ में खेती करता था और बैल को अलग अलग हथियार लगा के काम करता था, तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से बैल को पावर सोर्स बोल दिया। तो हमने किसान के पास में, अपने किसान भाइयों के पास में जो पावर सोर्स है वो ढूंढा, तो उसमें हमको मोटरसाइकिल दिखी जो कॉमन है। फिर हमने मोटरसाइकिल को जो अटैचमेंट तैयार किया, इससे किसान भाइयों की समस्या कम हो जाएगी और वो खुद निकाय पूरे काम कर सकेंगे, स्वावलंबन बन जाएंगे। ये हमारे इसके पीछे का निकाय आइडिया है। ठीक है, ये कार्य कैसे करेगा और इसमें कितने सीसी का मोटरसाइकिल चाहिए? इसमें निकाय 150 सीसी का मोटरसाइकिल चाहिए कम से कम, और 150 से आप निकाय इसके अंदर में बुलेट भी लगा सकते हो। और इसको पूरी तरीके से निकाय तैयार हो जाता है ये, तो इसको 3 PTO दिए हुए, सर्च लाइट दिए हुए और इसको हेडलाइट भी है, तो किसान भाई अपनी निकाय रात में भी जाके काम कर सकते हैं, सामान भी लेके जा सकते हैं। और दूसरा, किसान भाई रात को अगर ठहरना है तो ये गाड़ी के अंदर में निकाय सो भी सकते हैं वो। इसके लिए हम लोगों ने निकाय 2 फैंस दिए हुए इसके अंदर में जो बैटरी से ऑपरेट होते हैं। अब बड़े बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत क्या कुछ है? इसकी कीमत है 2.5 लाख रुपये इसकी कीमत है। और ये कीमत की तरफ मत जाइए, आप इसके बेनिफिट देखिए कि किसान भाई एक तो इंडिपेंडेंट हो जाता है और दूसरी एक बात तो इसकी 60% ने क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, यानी मेरे खर्चे में नहीं क्या बचत मिलती है मेरे को और मेरी उत्पाद भी बढ़ती है इसके अंदर में। इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है? हाँ, हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर में, उसका सब्सिडी का भी काम चालू है, वो जैसा भी आएगा वो भी मिलेगा आपको। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप पीछे आके दिखाएँ कि किस तरह से कार्य करता है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे नहीं क्या जो फैन लगाए हुए हैं, यहाँ पे जो फैन नहीं क्या आपको रात के समय नहीं क्या ठंडा हवा भी देगा वो, तो आप नहीं क्या आराम से उसके अंदर में सो सकते हैं, ठहर सकते हैं। और जंगली जानवरों से भी नहीं क्या हम लोगों को कुछ सुरक्षा मिलती है। अभी ये रैम है, ये रैम के ऊपर से नहीं क्या मोटरसाइकिल अंदर चढ़ाना है और वहाँ पे उसको क्लाइम कर देने का। वो करने के बाद में जैसा हमने क्या रोड के ऊपर में मोटरसाइकिल चलाते उसी तरीके से नहीं कि ये मोटरसाइकिल चलती है। और एक रोड के ऊपर में कोई मोटरसाइकिल अगर 50 का एवरेज दे रही है तो ये मोटरसाइकिल इसमें लगाने के बाद में 40 का एवरेज देगी आपको, तो आपको ज़्यादा भी नहीं क्या खर्चा नहीं लगता इसके अंदर। तो जब ये खेत में काम करेगा तो ये टायर स्लिप नहीं करेगा? नहीं, इसका टायर स्लिप नहीं करता है, इसको इसकी पकड़ अच्छी आई हुई है और नीचे हमने नहीं क्या गेयर बॉक्स बना के रखा है कि जो इसके ताकत को निकाय 3 टाइम्स बढ़ाता है और वो पावर के वजह से नहीं क्या ये गाड़ी चलती है। ठीक है, तो वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं भैया, ये एक नया चीज़ हमें देखने को मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी आप लोगों को भी दिखाया जाए। आगे का जो स्टेयरिंग है मोटरसाइकिल का, उसको आप घुमाएंगे तो आगे के टायर इसमें घूमेंगे, पीछे का जब टायर चलेगा तो इसके पीछे के टायर चलेंगे। और ये आगे के टायर का सिस्टम ये देखें आप, यहाँ से इस तरह से इसको स्टेयरिंग लॉक किया गया है।